चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग गॉसलो के एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी थी, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से, फिर एक होलो वायर की वजह से, एक सॉलिड वायर की वजह से, ठीक है। और फिर देखी थी हमने एक शीट की वजह से, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ लोगों को डाउट था कि जो गॉस लॉ है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस फॉर द क्लोज्ड सरफेस, जो हम मानते हैं गॉसियन सरफेस, दैट इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, मैंने बताया भी था, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एरिया मानते हैं, ठीक है। उसकी डायरेक्शन देखते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल कह लो, ई वेक्टर की डायरेक्शन देखते हैं गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, उन दोनों में एंगल देखते हैं। और जनरली एंगल हमारा क्या होता है, हम गॉसियन सरफेस ही ऐसा लेते हैं ताकि एंगल या तो जीरो हो या 90 हो, ताकि इंटीग्रेशन आसान हो, ठीक है। फिर हम ये इक्वेशन यूज करके सोल्व करते हैं। क्यू एनक्लोज क्या होता है, हमने जो गॉसियन सरफेस माना उसके अंदर जो एनक्लोज चार्ज होगा, यही करते हैं हम लोग। इसमें जो ई आता है वो क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं आपके उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन सरफेस पे, ठीक है। जो सरफेस हमने चूज किया है उस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। और क्यू एनक्लोज्ड क्या है, चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर जो होंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने पहले भी बताया था, इसने डायरेक्ट पूछा था कि क्यू एनक्लोज्ड में कौन से चार्जेस आएंगे और ई वेक्टर में कौन से आएंगे, ठीक है। उसने कुछ डायग्राम ऐसा दिया था, ठीक है, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, ऐसे उसने चार्जेस बनाए थे, ये क्यू वन ये क्यू टू ये क्यू थ्री, ठीक है। और उसने दो बाहर बनाए थे, क्यू फोर और ऐसा इधर क्यू फाइव। तो क्वेश्चन था कि गॉस लॉ में जब हम ई लिखते हैं एलएचएस में, वो ई किन किन की वजह से है, ये पास्टर उठाना दिखेगा आपको क्वेश्चन। तो आंसर आएगा जो ई होगा सरफेस के ऊपर, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू फाइव, सबकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये क्या है आपकी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और क्यू एनक्लोज क्या है, इस गॉसियन सरफेस, इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्जेस है, दैट विल बी क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री। तो ई वेक्टर में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो सारे चार्जेस का होगा, ठीक है, और एनक्लोज्ड में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्जेस हैं उनका होगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब इसमें कुछ लोगों को कल डाउट आ रहा था कि सर अगर एनक्लोज्ड चार्ज हमारा जीरो है किसी गॉसियन सरफेस में, तो क्या इसका ये मतलब है कि ई जीरो होगा, क्योंकि हमने कल क्या किया था, याद करो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज हमने लिया था, ठीक है, उससे हमने सॉल्व किया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, एक होलो सिलेंड्रिकल वायर ली थी, याद है, बड़ा करके मैं बना रहा हूँ, एक होलो सिलेंड्रिकल वायर मैंने ली थी, ठीक है, उसके एक्सिस से हम कैलकुलेशंस कर रहे थे। तो उसमें हमने तीन केस पढ़े थे, उसमें एक केस आया था थर्ड केस, अगर पॉइंट जो है जिस पे फील्ड निकालनी है वो अंदर हो सरफेस के, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस। तो हमने क्या किया था, एक गॉसियन सरफेस माना था, इसको बोलते हैं गॉसियन सिलेंडर, माना था चार्ज कहाँ पे होगा, क्योंकि ये होलो है तो चार्ज सिर्फ बाहर होगा, ठीक है। तो जब हम इसके लिए गॉस लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा बोलो, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, वही हमको निकालना है, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक चीज दिखेगी कि हमने जो गॉसियन माना उसके अंदर तो चार्ज है ही नहीं, क्योंकि ये होलो है, अंदर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो क्यू एनक्लोज क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो आरएचएस हो गई हमारी जीरो। अब कुछ लोगों को डाउट था कि सर अगर आरएचएस जीरो तो क्या इसका सीधा मतलब है कि ई जीरो, क्योंकि हमने कल ऐसे ही किया था, ये जीरो तो ई जीरो हमने सोल्व किया था, ठीक है। पर मैंने उस टाइम बताया भी था, ठीक है, आज फिर से बता रहा हूँ कि आर एच एस जीरो का मतलब होता है, मतलब क्यू एनक्लोज अगर जीरो है इसका मतलब ये नहीं है कि ई भी पक्का जीरो होगा, वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी आपकी आ सकती है यहाँ पे। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ई है, ई वेक्टर इज नॉन जीरो, मतलब गिवन गॉसियन सरफेस पे ई है कुछ ना कुछ, बट
इट इज परपेंडिकुलर टू डीएस वेक्टर। ठीक है, ई कुछ ना कुछ है, नॉन जीरो है, पर वो डीएस वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। तब भी तो आपका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तब भी एलएचएस आरएचएस मैच कर जाएंगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर ई और डीएस परपेंडिकुलर नहीं है देन ई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कल हमने जो सॉल्व किया था उसमें क्या किया था, ये जो कर्व पोर्शन है हमारा, इसके लिए ई डीएस दोनों पैरेलल हैं। ठीक, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, ई इंटू डीएस आएगा। ई को यूनिफॉर्म है इस गॉसियन के लिए, तो ई बाहर, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डीएस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू एन क्लोज तो जीरो ही है। अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो है सेकेंड वाली। ये जीरो तभी हो सकता है जब ई जीरो हो। ठीक है, पर याद रखना ये जरूरी नहीं है कि एनक्लोज्ड चार्ज अगर जीरो है तो आपका ई जीरो होगा। ठीक है, तो दो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं, इसको अच्छे से नोट कर लेना नोटबुक में। इफ क्यू एनक्लोज्ड इज जीरो देन ई वेक्टर में और मे नॉट बी जीरो। ठीक है, सेकेंड, इफ ई इज जीरो, अगर ई जीरो है मतलब गिवन सरफेस पे, क्लोज सरफेस पे हर जगह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हर जगह, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है मतलब एलएचएस जीरो है, तब तो पक्का इनक्लोज चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होगा। ठीक है, अगर ई नेट जीरो है तब इनक्लोज चार्ज पक्का जीरो होगा, ये तुम बोल सकते हो, पर अगर इनक्लोज चार्ज जीरो है तब ई जीरो हो ये जरूरी नहीं है। ई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर अगर वो हुआ वो डीएस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तभी हमारी एलएचएस और आरएचएस मैच करेगी। ठीक है, तो ये कुछ डाउट्स थे थ्योरी में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन भी मैंने दिया था, एक क्यूब, एक लेक्चर पहले एक क्वेश्चन दिया था, एक क्यूब है, साइड ए का, उसके हमने कॉर्नर पे एक चार्ज रखा था क्यू, है ना। क्वेश्चन था कि इस फेस से नेट फ्लक्स कितना होगा, ये जो फेस है नीचे वाला, इससे नेट फ्लक्स बताओ कितना होगा। फाइंड द फ्लक्स फ्लक्स पासिंग थ्रू द शेडेड रीजन। ठीक है, ऑप्शंस थे और उसका आंसर था क्यू बाई 24 एप्सिलॉन। और बहुत लोगों का आ गया था ये। ठीक है, जिनका नहीं आया था वो देखो क्या करना है। तो ये क्यू कॉर्नर पे है आपका, तो मुझे इसको एनक्लोज करवाना है। ठीक है, और अगर मुझे सिमिट्रिकली एनक्लोज करवाना है तो मुझे ऐसे ऐसे कितने और क्यूब लगेंगे, सोच के देखो। ऐसे ऐसे मुझे 7 क्यूब और लगेंगे। ठीक है, मतलब तो टोटल जब मैं 8 क्यूब लूंगा, ऊपर इस साइड, पीछे की साइड, आगे की साइड, सब जब मैं लूंगा ऐसे ऐसे 8 क्यूब बनेंगे। ठीक है, थोड़ा सोचना। तो जब 8 क्यूब मैं लूंगा टोटल, तो ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये उन 8 क्यूब्स का सेंटर बन जाएगा। बराबर, सोच के देखना। ठीक है, तो इस कैपिटल क्यू की वजह से उन 8 क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है, क्योंकि एक क्लोज सरफेस के अंदर कोई क्यू चार्ज एनक्लोज है, तो फ्लक्स इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स वो कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू सेंटर बन जाएगा उसका। ठीक है, सो टोटल फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, मुझे तो एक ही क्यूब में देखना है, वो कितना हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन। क्यू सिमिट्रिक है आपका, कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो सेंटर पे है ना, तो सिमिट्री का, तो हर एक क्यूब से सेम फ्लक्स आएगा। तो अगर टोटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है तो हर क्यूब से कितना आएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब एक क्यूब में मुझे इस पे चाहिए। ठीक, तो अब लॉजिकली सोचना अपने रूम में। ठीक है, तो अगर मैं उस कॉर्नर पे लेता हूं, ठीक, तो मुझे इस वाले नीचे नीचे यहां पे जो फेस है उससे निकालना है मुझे फ्लक्स। तो अगर मैं उस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है वैसे ही रखा है, तो ध्यान से देखो इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, इस पूरे क्यूब से कर रहा है क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, पर मुझे चाहिए किससे, इस नीचे वाले फेस से। ठीक, अब इस नीचे वाले फेस से कितना पास करेगा,
अब आधों को लगेगा सर पूरे से कर रहा है क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ऐसे छह फेस तो एक से करेगा क्यू बाई 48 एप्सिलॉन नॉट। नहीं, जब आप ध्यान से देखोगे तो उससे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो वो तीन सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो उस फेस के लिए, ऊपर वाले फेस के लिए और ये जो सामने वाला फेस है, ये वाला, उधर वाला और ऊपर वाला, इन तीनों के लिए ई और डीएस आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, मतलब कौन कौन सा बोल रहा हूं मैं, ये वाला, ठीक, ये वाला, ठीक, और वो जो पीछे है, पीछे वाला, उन तीनों के लिए आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि ई एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, तो टोटल कितना जा रहा था पूरे क्यूब में से, क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट, तीन फेस से तो जीरो ही हो गया, तो बचा कितने से, थ्री फेसेस। तो मतलब ये कितने से जा रहा है, ये जा रहा है आपका थ्री फेसेस ऑफ द क्यूब। ठीक, पर क्वेश्चन था मुझे एक फेस से निकालना है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1/3, दैट इज क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एक तरीका और है उसका, वो तरीका क्या है, इस पूरे क्यूब को आप एनक्लोज करवा दो एक बड़े क्यूब में। ठीक है, ए साइड का जो क्यूब है उसको हम एनक्लोज करवा रहे हैं एक 2A साइड के क्यूब में, इससे डबल। ठीक है, अब इसको जब इसके अंदर रखोगे, ठीक है, तब सोच के देखना ऐसे ऐसे कितने लगेंगे, कितने क्यूब लगेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद वो जो क्यू होगा वो उसका क्या बन जाएगा, सेंटर। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट करना कितने क्यूब लगेंगे, उसके बाद देखना क्यू जो है वो सेंटर बन जाना चाहिए। अब क्यू उसका सेंटर बनेगा तो पूरे इस 2A वाले क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बराबर। अब उतने से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट करेगा तो एक फेस से कितना करेगा, इस बड़े वाले के एक फेस से, ये वाला नीचे वाला ले लेते हैं, इस बड़े वाले के नीचे वाले से कितना करेगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू सेंटर बन जाएगा आपका। बना लोगे ना ज्योमेट्री? ठीक है, अच्छा, अब ये आया किससे, एक फेस के, एक फेस से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन, और वो फेस किसका है, बड़े वाले क्यूब का, 2A साइड वाले क्यूब का, पर मुझे तो इससे चाहिए, इसके एक फेस से। तो जब इसको यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो नीचे वाले में ऐसे ऐसे कितने आएंगे, ऐसे ऐसे फेस कितने आएंगे, चार, एक इधर, ठीक है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, तो जब इस फेस से कर रहा है क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट तो इसके एक से कितना करेगा, ऐसे ऐसे चार दिखेंगे आपको यहाँ पे, तो एक से कितना करेगा इसका, 1/4, तो दैट विल बी क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप इन दोनों मेथड से कर सकते हैं, बस पता होना चाहिए कि करना क्या, कैसे निकालना है। ठीक है, चलो, तो फ्लक्स आपका खत्म हो गया, गॉस लॉ आपका खत्म हो गया, तो अच्छे से उसको पढ़ो, कैसे हमने उसको अप्लाई किया वो देखो। ठीक, तो अब बचता है आपका सिर्फ कंडक्टर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो नीट हो। और दूसरी चीज, इसमें कुछ रिजल्ट्स आएंगे, वो रिजल्ट्स आपको याद होने ही चाहिए, कोई चॉइस नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन रिजल्ट पे बहुत बार आ चुके हैं, पिछले 5-6 सालों में 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं डायरेक्ट रिजल्ट पे, नीट 2019 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसका रिजल्ट पे। ठीक है, और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे स्फीयर्स के बारे में, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, वो सब। ठीक है, पहले मैंने नहीं पढ़ाया था, मैंने बोला था गॉस लॉ में ही पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, तो ध्यान से देखना, और जो जो रिजल्ट्स मैं बोल रहा हूँ, जो जो कॉन्सेप्ट्स बोल रहा हूँ, उसको अच्छे से देखो और रिजल्ट्स को याद करो। ठीक है, कुछ ग्राफ्स भी आएंगे, वो ग्राफ्स भी आपको आने चाहिए। करें स्टार्ट? चलो, तो सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक चीज देखते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इंसुलेटर्स, ठीक है, दूसरा होता है हमारा सेमीकंडक्टर्स, और तीसरा होता है हमारा कंडक्टर। ठीक है, क्या क्या फर्क है इसमें? कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसमें आपके जो मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री टू मूव है। ठीक है, कंडक्टर में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर के अंदर एक कंडक्टर है आपका, ठीक है,
तो अंदर क्या क्या होंगे उसके, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। अगर वो न्यूट्रल कंडक्टर है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो चार्ज हैं आपके, वो एक कंडक्टर में फ्री टू मूव होते हैं विद इन द सरफेस बाउंड्री। ठीक है, सरफेस बाउंड्री के अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके, दे आर फ्री टू मूव। मतलब क्या बोला जाता है, अ कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट। फ्री इलेक्ट्रॉन से हमें क्या मतलब है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर, दे आर फ्री टू मूव। ठीक है, बाउंड नहीं होते हैं वो। ठीक, सिमिलरली इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज है, दे आर बाउंड। ठीक है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, मतलब उनको फिक्स किया होता है, दे आर नॉट फ्री टू मूव एट ऑल। ठीक है, सेमीकंडक्टर दोनों के बीच का, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हैं। ठीक है, तो ये होती है मटेरियल की क्लासिफिकेशन। तो तीन तरह के मटेरियल्स हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर। सेमीकंडक्टर का तो एक अलग चैप्टर आएगा आपका 12th में। ठीक है, कंडक्टर्स इसकी चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे, क्या होता है, और फिजिक्स में बहुत जगह यूज होगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत चैप्टर्स में। तो बेसिकली कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री। सरफेस बाउंड्री के अंदर फ्री टू मूव होते हैं। ठीक है, सो क्या होता है, इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इनसाइड द सरफेस बाउंड्री। सरफेस बाउंड्री के अंदर मूव करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो उससे क्या होगा वो अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं कंडक्टर में, तो सारे एक एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। इंसुलेटर्स क्या होते हैं वो मैं लिखवा नहीं रहा क्योंकि उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे ही नहीं, पर तब भी पता होना चाहिए। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर बाउंड, दे आर नॉट फ्री टू मूव एट ऑल। ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री टू मूव होते हैं आपके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर करंट में भी डिटेल में पढ़ेंगे, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होने का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अब देखो बहुत ध्यान से, सुनना बहुत ध्यान से, कंसेप्ट आएगा। सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है न्यूट्रल, अब कंडक्टर की ही बातें कर रहे हैं हम, ध्यान देना। तो ये हमारे पास न्यूट्रल कंडक्टर है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने क्या हैं आपके, प्रोटॉन्स, तभी तो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब नेट चार्ज जीरो है, वो तब होगा जब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनना, आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ई नॉट, या EEXT बोल देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब इस कंडक्टर को आपने किस में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो इसी के पैरेलली हम, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड, सॉरी ड्रॉ, या IIT में क्वेश्चन आ चुका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ELFs व्हेन अ न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब एक न्यूट्रल कंडक्टर को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी बनती हैं। ठीक है, मतलब ऐसी बनेंगी, अंदर से जाएंगी, ठीक है, या कैसी होगी, वो सब हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो कैसी होंगी, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसी कंसेप्ट पे पूरा आगे का पूरा टॉपिक बेस्ड है आपका। ठीक है, तो ध्यान से अब देखो, तो सपोज ये मेरा न्यूट्रल कंडक्टर है और मैंने ये एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी इस तरफ, राइट की तरफ। ठीक है, अच्छा अब जैसे ही मैं ये एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूंगा, क्या कंडक्टर के अंदर जो चार्ज हैं वो फ्री टू मूव हैं विद इन द सरफेस बाउंड्री। ठीक है, तो क्या वो मूव करने लगेंगे, सोच के देखना, अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स,
तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री टू मूव हैं तो क्या होगा, वो मूव करने लगेंगे आपके किस डायरेक्शन में। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में भागने लगेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम कहाँ तक भाग सकते हैं, सरफेस तक, सरफेस से बाहर तो जा नहीं सकते। तो कहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई देगा, इस साइड, और पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्यूमुलेट होता हुआ दिखाई देगा इस साइड फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक। तो पहली चीज तो ये समझो, जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है कंडक्टर में तो वो भागने लगेंगे इधर उधर, किस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो दे विल मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है ना, नेगेटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है, ठीक है। तो क्योंकि फील्ड हमने राइट की तरफ लगाई है एक्सटर्नल, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगेंगे, मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट। और मैक्सिमम कहां तक भाग सकते हैं, वो सरफेस तक, उससे ज्यादा तो भाग ही नहीं सकते, ठीक। तो वहां जाके आपको एक्यूमुलेट होते हुए दिखाई देंगे वो। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज किस साइड, सामने वाली साइड। यहां तक समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब ध्यान से अगर हम आगे देखें, इसके बाद क्या होने वाला है, सुनना आप ध्यान से। ये बीच का एक पॉइंट देखो, मतलब सेंटर ही ले लेते हैं, सी। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये जो चार्जेस आए हैं आपके इनकी वजह से? क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस साइड आया है, तो क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगी खुद की तरफ इनवर्ड, और ये पॉजिटिव इस साइड, तो इसकी वजह से सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह आई आपकी इन दोनों की वजह से, वो लेफ्ट की तरफ आई। मतलब मैं अलग से अगर बनाऊं, सी के ऊपर ये आई है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों इंड्यूस्ड बोलते हैं, क्योंकि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस। कंडक्टर के अंदर ये जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं किसकी वजह से, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, चार्जेस अपने आप दौड़ने लगे, अपने आप को रीअरेंज करने लगे। और कैसे अरेंज करते हैं, दे अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और किस तरह से एक्यूमुलेट करते हैं, ये जैसे ही एक्यूमुलेट हुए तो जब आप कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट को देखेंगे तो उस पॉइंट पे इन चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आने लगेगी, ठीक है। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस इन द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं इनकी वजह से जो फील्ड आती है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तो सी पॉइंट पे अगर हम नेट फील्ड देखें, सुनना बहुत ध्यान से, अगर हम सी पॉइंट पे नेट फील्ड देखें तो एक तो आएगी टूवर्ड्स लेफ्ट, वो आएगी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेफ्ट क्यों, समझ में आ रहा है, नेगेटिव इनवर्ड पॉजिटिव आउटवर्ड दोनों एक डायरेक्शन ऐड हो जाएंगे। दूसरी कौन सी है, ये जो हमने एक्सटर्नल अप्लाई करके रखी हुई है राइट की तरफ, ई एक्सटर्नल, ठीक। अब सुनना बहुत ध्यान से, सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है इंड्यूस से, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए, इसके बाद हम वो लास्ट में एक रिजल्ट देखेंगे कि होगा एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अभी अच्छे से समझो कि क्या हो रहा है। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस से बड़ी हुई, ऐसी मान लेते हैं, मतलब हमने जो अप्लाई की थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ वो इंड्यूस्ड से बड़ी है, तो क्या होगा, क्या नेट फील्ड बचेगी, मतलब कंडक्टर के अंदर जो नेट फील्ड होगी वो बची रहेगी, किस साइड बचेगी, इस साइड, तो ये बचेगी आपकी ई नेट, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये जो सी पॉइंट है इस पे क्या बचेगी, इस साइड बचेगी ई नेट। मैं समझाने के लिए यहां बना रहा हूं, क्यों ई नेट ऐसी बचेगी, ई एक्सटर्नल, ई इंड्यूस्ड, और ई एक्सटर्नल मैंने माना है कि इंड्यूस से बड़ी है, ठीक है। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, तो नेट फील्ड विल बी ई एक्सटर्नल ऑब्वियसली माइनस ई इंड्यूस्ड, और ये कौन सी नेट फील्ड है, नेट फील्ड इन साइड द मेटीरियल, मेटीरियल के अंदर, दिख रहा है सबको? अच्छा, तो मेटीरियल के अंदर जो नेट फील्ड है वो किधर बचेगी आपकी, एक्सटर्नल की डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि मैंने माना है कि एक्सटर्नल मान लो बड़ी है उससे, तो ये नेट फील्ड बची। अब सुनना बहुत ध्यान से, अगर ये नेट फील्ड बची तो क्या फिर से चार्जेस भागने लगेंगे, ऑब्वियसली कैसे भागेंगे, फिर से इस फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में,
तो क्या ये चार्जेस तब तक भागते रहेंगे जब तक एक्सटर्नल फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड आपस में इक्वल नहीं हो जाती। सोच के देखो, एक्सटर्नल बड़ी हुई इंड्यूस्ड से, नेट फील्ड बचेगी, नेट फील्ड बचेगी, फिर से चार्ज भागने लगेंगे, ठीक है। वो कब तक ऐसा ही प्रोसेस चलता रहेगा? ये चार्जेस तब तक भागते रहेंगे जब तक द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल बिकम्स जीरो, ठीक है। मतलब क्या है, द चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर इनसाइड द कंडक्टर फ्लो टिल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल बिकम्स जीरो। मतलब ये चार्जेस तब तक भागते रहेंगे इस मटेरियल के अंदर, ये जो चार्जेस हैं ये तब तक भागते रहेंगे जब तक आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है मटेरियल के अंदर वो जीरो नहीं हो जाती। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी? वो तब होगी व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब ये जो हमने अप्लाई की, ठीक है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस कंडक्टर को रखा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो जाती? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी आपकी? ये जो चार्जेस आपके आए हैं, ठीक है, ये कैसे आए हैं? जैसे आपने एक्सटर्नल में रखा तो ये चार्जेस भागने लगे, बिकॉज दे वर फ्री टू मूव। तो ये नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, तो इनकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। किस डायरेक्शन में? नेगेटिव के इनवर्ड, पॉजिटिव के आउटवर्ड, तो लेफ्ट साइड। तो जैसे ही वो इंड्यूस्ड एक्सटर्नल के इक्वल हो गई, अब और कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव नहीं करेंगे, जितने करने थे वो कर चुके, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या, ध्यान से सुनना, व्हेन एवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, द चार्जेस एक्यूमुलेट देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू देम बैलेंसेस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट द नेट एक्सटर्नल फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज जीरो, ठीक है। तो क्या चीज है जो आपको याद रखनी है, ये नोट कर लिया सबने? चलो अब देखो ध्यान से, तो स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुनना बहुत। व्हेन एवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा द चार्जेस इनसाइड इट अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट मतलब E external minus E induced, net electric field inside the material, मतलब जहां material है उसका, inside the material of conductor becomes zero, ठीक है। तो जब भी आप एक कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो चार्जेस ऐसे भागते हैं, क्योंकि दे आर फ्री टू मूव, भागेंगे ही भागेंगे वो, तो चार्जेस ऐसे भागते हैं ताकि उनकी वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को बैलेंस कर लेगी और नेट फील्ड कंडक्टर में कितनी हो जाएगी? जीरो। ये मैंने समझाने के लिए पूरा बताया है, आपको सीधा याद रखना है कि जैसी आप कंडक्टर को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर से कोई फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी, ठीक है, बिकॉज इनसाइड द मटेरियल, ये मैं अच्छे से बोल रहा हूं, मटेरियल, जहां मटेरियल है आपका, इस पूरे में मटेरियल है ना, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, क्योंकि चार्ज कैरियर, चार्ज कहां होंगे? मटेरियल में ही होंगे, जहां मटेरियल नहीं है वहां चार्ज कहां से आएगा, ठीक है। तो मटेरियल के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी? जीरो, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इनसाइड द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो,
ठीक है, इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इनसाइड द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। क्यों? अगर वो जीरो नहीं हुई, नेट की बात कर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर वो जीरो नहीं हुई तो चार्जेस फिर से भागने लगेंगे, और वो तब तक भागते रहेंगे जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाती। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना ही पड़ेगा इनसाइड द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुई तो चार्जेस भागते रहेंगे, और वो तब तक भागते रहेंगे जब तक उनकी जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो एक्सटर्नल को बैलेंस नहीं कर लेती। तो अल्टीमेटली करना क्या है आपको, ध्यान देना, जैसे ही आपने किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, ठीक, तो आपने क्या देखा, इसी क्वेश्चन को मैं अभी देख बना रहा हूं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जैसे ही आपने कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, तो यहां का डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं, तो आपने क्या देखा, कुछ इस तरह, ध्यान से सुनना, क्या मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? तो मटेरियल के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं कर सकती, ठीक। दूसरी चीज, पूरे मटेरियल में ई जीरो है, अभी अभी हमने देखा, ये होना ही पड़ेगा, अदरवाइज चार्ज फिर से भागेंगे, और वो तब तक भागेंगे जब तक नेट फील्ड जीरो नहीं हो जाए। तो अल्टीमेटली फील्ड जीरो होनी ही है मटेरियल के अंदर, ये मटेरियल है आपका। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ, फील्ड जीरो का मतलब याद करो, फील्ड और पोटेंशियल में हमने रिलेशन पढ़ा था, बोलो बोलो जल्दी, फील्ड जीरो का मतलब क्या है? फील्ड जीरो का मतलब है कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो ई जीरो का मतलब क्या है, क्या dv जीरो? dv जीरो मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो, मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम। जैसे एग्जांपल सुनना, ये मैं दो पॉइंट ले रहा हूं, ए और ये बी, सुनना बहुत ध्यान से, ए और बी दो पॉइंट्स लिए मैंने, अच्छा तो ए और बी मैंने दो पॉइंट लिए, क्या अंदर पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? यूज करो ये ई जीरो, ठीक, और मैं ए से बी जाना चाहता हूं, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो, तो वी बी इज इक्वल टू वी ए। सिमिलरली कोई तीसरा चौथा पांचवा कोई भी पॉइंट्स ले लो, क्या हर जगह पोटेंशियल सेम होगा ड्यू टू द जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द मटीरियल? क्योंकि मटीरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हर जगह जो है पोटेंशियल वो क्या होगा सेम, मतलब किन्हीं भी दो जगह पे पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो होगा, सी डी ई, क्या जस्ट सरफेस पे भी हम मान सकते हैं एफ, क्यों? क्योंकि सरफेस के जस्ट अंदर तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक। तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो हमने अभी डिस्कशन किया 10-15 मिनट उसका कंक्लूजन क्या है वो ध्यान से सुनना। व्हेन एवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्जेस रीअरेंज देमसेल्व्स या अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ फैशन, इन सच अ वे दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बिकम्स जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड क्या होती है वो समझ में आ गया, एक्सटर्नल क्या थी वो हमने देख लिया, यहां तक बराबर, अच्छा। इफ इट इज नॉट जीरो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द मटेरियल इज नॉट जीरो, देन द चार्जेस विल अगेन फ्लो टिल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो, ठीक है यहां तक, मतलब अल्टीमेटली क्या होनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है, पहला पॉइंट तो है। दूसरा पॉइंट, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द मेटीरियल इज जीरो देन द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इन साइड द मेटीरियल विल बी सेम, ठीक है, यूजिंग द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, समझ में आ गया। अगर मेटीरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसके अंदर हम कोई भी पॉइंट्स अगर लें तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे होंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन साइड द मेटीरियल विल बी जीरो। तो क्या ये पूरा का पूरा एक इक्वी पोटेंशियल रीजन की तरह बिहेव करेगा? ध्यान से सुनना, क्या ये जो कंडक्टर है पूरा का पूरा ये एक इक्वी पोटेंशियल रीजन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल रीजन का मतलब यहां पे हर जगह पोटेंशियल आपका क्या होगा सेम होगा, ठीक है, चाहे वो सरफेस हो चाहे वो अंदर के हो, हर जगह आपका पोटेंशियल क्या होगा सेम। इसलिए मैंने इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं बोला, सिर्फ ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल नहीं है, पूरा है, ठीक है। तो इट विल बिहेव एज एन इक्वी पोटेंशियल रीजन,
ठीक है। तो व्हेन एवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट बिहेव्स एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपका आने चाहिए, जो मैंने बोर्ड पे अभी अभी दो पॉइंट लिखे थे वो और तीसरा ये। ठीक है, ये खासियत होती हैं आपकी कंडक्टर्स की। तो मैं लिख देता हूं कि व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा इट बिहेव्स एज एन इक्वी पोटेंशियल रीजन। इक्वी पोटेंशियल पढ़ चुके हो ना? हाँ, इक्वी पोटेंशियल रीजन, किसकी वजह से? ड्यू टू ई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कहाँ ई जीरो होता है? पूरे मटेरियल में ई आपका क्या होगा? जीरो। इसका यूज अभी आगे आएगा, ध्यान देना। देखो, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर था, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अंदर पूरे रीजन में ई जीरो होगा, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज, अगर मैं कोई पॉइंट्स लूं ए बी सेंटर सी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी, किसकी वजह से? इक्वी पोटेंशियल रीजन। और वो क्यों आया? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ठीक है, मतलब अगर हम कंडक्टर में सरफेस से किसी अंदर के पॉइंट में, सुनना बहुत ध्यान से, इसका यूज करेंगे अभी हम आगे, अगर हम कंडक्टर में सरफेस से उठा के किसी चार्ज को, सरफेस से उठा के किसी चार्ज को अंदर लेके जाएं कंडक्टर के केस में, तो क्या हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये पूरा रीजन क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल। और इक्विपोटेंशियल में हमको वर्क करना ही नहीं पड़ता है। तो अगर मैं किसी चार्ज को किसी कंडक्टर के केस में बी से उठा के ए तक लेके आ रहा हूं, तो मुझे कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक, तो सवाल मेन तो अभी रह गया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करो। ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। ठीक है, आपको सबको अपनी अपनी बुक्स में मिलेगा ये क्वेश्चन, सिंगेज में भी है ये, ठीक है, बुकलेट्स में भी मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? सपोज ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है, इट इज प्लेस्ड इनसाइड एन एक्सटर्नल फील्ड, तो चार इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन रही हैं, तो उन चार में से कौन सी सही है वो आपको बतानी है। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। ठीक, चारों में से कौन सा सही है और क्यों? ठीक है, ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो कौन सा डायग्राम सही रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 2 3 4, फोर नीचे वाला। तो सोचो, 2 मिनट का समय है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं अभी बताऊंगा, फिर सोचना आपने सही किया था या गलत किया था। सोचो सोचो सोचो। सोच लिया सबने? चलो पढ़े। चलो देखो, तो आंसर आएगा आपका थर्ड। थर्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो सही है। ठीक है, तो आंसर आएगा सी। सोच लिया तो अच्छी बात है। देखो, वन और टू तो हो ही नहीं सकती। क्यों? बिकॉज इनसाइड
the conductor electric field should be zero. Inside the material of the conductor electric field should be zero. ठीक, अगर कंडक्टर के मटेरियल के अंदर फील्ड जीरो है तो फील्ड लाइंस कैसे पास कर सकती है? फील्ड लाइंस पास ही नहीं कर सकती. तो वन और थर्ड, तो वन और सेकंड, वन और हाँ फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही गलत है, थर्ड और फोर्थ बचे. अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अभी अभी हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर, जैसे हम इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होने वाला है? ये एक इक्विपोटेंशियल रीजन की तरह बिहेव करेगा बिकॉज ऑफ द जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल करेगा. तो अगर ये पूरा इक्विपोटेंशियल रीजन की तरह बिहेव कर रहा है तो आपको याद है प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है. तो मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होनी चाहिए आपकी? परपेंडिकुलर. मतलब यहां पे जब आई परपेंडिकुलर, अंदर जा नहीं सकती, तो जब बाहर निकली तो ये परपेंडिकुलर. ठीक है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा. तो एक्चुअल में अगर हम पूरा बनाए तो कैसी बनेगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के लिए कैसी बनेंगी? देखो ये तो एकदम सीधी होगी, बीच में जो जाएंगी और ऐसी, अंदर तो जा ही नहीं सकती. ठीक, दूसरा समझ में आया, तो ये बनती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपकी ऐसी होती है. ठीक है, सोचो समझो, कोई डाउट है तो बताओ. ठीक है, अब सवाल उठता है सर जैसे ही आपने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा था कंडक्टर को, आधे लोगों को मन में आ गया होगा ये डाउट, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो ये तो अंदर से ऐसी पास होनी चाहिए ना. ठीक है, उसके बाद ये कुछ होगा ना, ऐसा नहीं होता. जैसे ही आपने उसको कंडक्टर में रखा, ठीक है, जैसे ही आपने सॉरी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो विद इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, विद इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब नेग्लिजिबल टाइम, मतलब नेग्लिजिबल टाइम, जैसे ही आपने कंडक्टर को रखा तुरंत चार्जेस भागने लगेंगे इधर उधर. कब तक? जब तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाती और तुरंत इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मतलब आपको ऐसी दिखेंगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज जीरो. यहां से यहां आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता. तो जैसे ही आप कंडक्टर को प्लेस करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपको कुछ ऐसी फील्ड लाइंस दिखेंगी ऐसी. ठीक है, यहां पे परपेंडिकुलर. क्यों परपेंडिकुलर, वो समझ में आ गया? बिकॉज ये पूरा रीजन आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा. और इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल रीजन की खासियत क्या पता है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो परपेंडिकुलर होती है उसके. ठीक है, तो ये आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, आपको हर बुक में ये सवाल मिलेगा, हर बुक में. लॉजिकल है, कंसेप्चुअल है, तो अच्छे से कंसेप्ट सीखो, क्या हुआ कैसे हुआ. ठीक है, तो ले दे के पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना. जैसे ही आप कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, आपको ये डायग्राम दिखेगा फील्ड लाइंस का. किस लिए ये डायग्राम दिखेगा? दो चीजों की वजह से, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, तो अंदर से फील्ड लाइंस पास हो ही नहीं सकती. दूसरी दूसरी क्या है? बिकॉज अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये पूरा रीजन आपका बिहेव करेगा एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल रीजन. सरफेस से बेटर है रीजन यूज करना, क्योंकि सरफेस पे नहीं, सिर्फ पूरे रीजन में ही पोटेंशियल कांस्टेंट होगा आपका, तो इक्विपोटेंशियल रीजन की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है दे आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल रीजन, इसलिए ऐसा डायग्राम बना है. तो अंदर लाइंस कोई नहीं होंगी, और दूसरी चीज जो बाहर होंगी, जो सरफेस पे वो होंगी टर्मिनेट और ओरिजिनेट होंगी, वो परपेंडिकुलर होंगी.
ये यहां पे टर्मिनेट हुई तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, यहां से ओरिजिनेट हुई तो ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर अ कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वहां से वहां आने में कोई समय नहीं लगता, तो आपको सिर्फ और ये डायग्राम देखना है, वहां की अब चर्चा ही नहीं करनी, आपको सीधा याद रखना है कि जैसी एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो आपको ये डायग्राम दिखेगा, सब कुछ तुरंत हो जाएगा, चार्जेस भागने लगेंगे, इंड्यूस फील्ड आने लगेगी, वो अपने आप बैलेंस कर लेगी एक्सटर्नल को, तब तक भागते रहेंगे जब तक तो वो बैलेंस नहीं कर लेती, ठीक है। आधों को सर डाउट होता है कि सर अगर बैलेंस नहीं करेगी तो क्या होगा, वो बैलेंस अपने आप करेगी, तुमको बैलेंस नहीं करवाना है, वो खुद ही बैलेंस कर लेगी, ठीक है। तो ये चार्जेस जो भागने लगेंगे इनकी वजह से जो इंड्यूस्ड आएगी वो अपने आप बैलेंस करेगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, तब तक भागते रहेंगे जब तक तो वो बैलेंस ना कर ले और नेट एक्सटर्नल फील्ड जीरो ना हो जाए। तो मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूँ, समझ में आ गया, कंडक्टर का प्रॉपर्टी समझ में आ गया। तो अभी तक हमने कंडक्टर की तीन चार प्रॉपर्टी पढ़ी, मैं उसको समराइज करता हूँ। पहली प्रॉपर्टी थी कि कंडक्टर इज अ मटेरियल विच हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट, मतलब दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द सर्फेस बाउंड्री, सर्फेस बाउंड्री के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए फ्री होते हैं, पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि वेन एवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन साइड, लिखना चाहो लिख लेना है सब, वैसे मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया था तो लिख लिया होगा सबने। वेन एवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन साइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, जहां जहां मटेरियल होगा ध्यान देना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, इज ऑलवेज जीरो, कंडक्टर की बात हो रही है ध्यान देना, नॉन कंडक्टर की नहीं। तीसरी चीज, एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज जीरो सो अ कंडक्टर बिहेव्स एज एन इक्विपोटेंशियल रीजन, मतलब अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं मटेरियल में या सरफेस पे भी बात करो, हर एक पे पोटेंशियल क्या होगा आपका, सेम होगा। तो इसका यूज क्वेश्चंस में आएगा, एडवांस में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं इसके, तो कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए कि क्या हुआ। चलो क्वेश्चन करें फिर, क्वेश्चन क्या है ध्यान से खुद ही ट्राई करना, ये कंडक्टर है, ठीक है, यहां पे मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, ठीक, सेंटर से इसकी रेडियस है सपोज आर और सेंटर से कितना दूर है एक्स, ये जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ये सेंटर से कितना दूर है एक्स, न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है, एनसी, एनसी इज न्यूट्रल कंडक्टर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड पोटेंशियल एट ए, फाइंड वी ए निकालो, ऑप्शंस है के कैपिटल क्यू बाय आर, के क्यू बाय एक्स, के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय एक्स, या के क्यू बाय एक्स माइनस के क्यू बाय आर, जो भी बड़ा होगा देख लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द पोटेंशियल एट ए, ए पॉइंट किधर है, गौर से देखो, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने कंडक्टर की सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली होंगी, ठीक है, तो इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है, और मुझे बताना मैसेज में कि कितनों से ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है, बिना मेरे करवाए। तो ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल एट ए, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फीयर है मान लो, तो ए पे पोटेंशियल करें। चलो देखो आंसर मैच करना अपना, सपोज ये सेंटर है सी, ठीक, अभी अभी मैं पढ़ चुका हूं क्या प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक, तो जैसी वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या अंदर के चार्जेस भागने लगेंगे, कब तक भागते रहेंगे, जब तक उनकी वजह से जो इंड्यूस्ड फील्ड नहीं आ जाती वो एक्सटर्नल को बैलेंस ना कर ले, तो अंदर बेसिकली अल्टीमेटली होना क्या है, नेट फील्ड को जीरो होना है, तो पूरा रीजन किसकी तरह बिहेव करेगा, इक्विपोटेंशियल। तो क्या मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एट ए दैट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, ए पे जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा किसके, सी पे जो पोटेंशियल होगा, बराबर। तो क्या मुझे ए पे पोटेंशियल निकालना है, तो ए पे पोटेंशियल निकालना है तो बेटर है मैं सी पे पोटेंशियल निकाल दूं, ठीक है, अच्छा,
सी पे पोटेंशियल कैसे निकाले, देखो चार्जेस कैसे आएंगे गौर से देखना, नेगेटिव चार्ज आपको इस साइड दिखेगा, अच्छा उतना ही पॉजिटिव आपको इस साइड दिखेगा क्योंकि ये तो न्यूट्रल कंडक्टर है, दिखेगा। अच्छा अब बताओ ध्यान से, तो सी पे पोटेंशियल किस किस की वजह से, अब सुनना बहुत ध्यान से, अब नई चीजें पढ़ने जा रहे हो यहां से। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, के इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, साइन के साथ हम सोल्व करते हैं, पता है ना सब। अच्छा अब देखो आगे मैं लिख रहा हूं ये सारी चीजें अच्छे से समझ लो। पोटेंशियल एट सी विल बी ड्यू टू टू चार्जेस, ठीक, किस किस की वजह से। सबसे पहला ड्यू टू प्लस क्यू, वो तो सबको दिख रहा है ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा एक तो प्लस क्यू की वजह से होगा, दूसरा इट विल बी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, चार्जेस भी तो इंड्यूस हुए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनकी वजह से भी तो पोटेंशियल आएगा सी पे। वो अलग बात है कि इस केस में जीरो आएगा, क्यों आएगा वो भी मैं बताऊंगा, पर याद रखना कि अब से जो आपको पढ़ना है आज कल परसों दो तीन चार लेक्चर जितने भी होंगे, इसमें हम क्या देखेंगे कि इंड्यूस चार्जेस की वजह से भी चीजें आएंगी आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ये सब, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन था मुझे ए पे पोटेंशियल निकालना है, तो ए पे पोटेंशियल वही होगा जो सी पे पोटेंशियल है ड्यू टू द इक्विपोटेंशियल रीजन, ठीक। तो मैं सी पे पोटेंशियल निकाल लेता हूँ वही ए पे होगा, ठीक। अब आधे बोलेंगे सर ए पे डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल रहे, तो वो क्यों मुश्किल है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक। अब ध्यान से सुनना, तो सी पे पोटेंशियल निकालते हैं, सी पे पोटेंशियल होगा दो चीजों की वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज जो हमने पॉइंट चार्ज रखा है, और दूसरा ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस जो ये इंड्यूस हुए हैं ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंड्यूस क्यों हुए होंगे, ताकि इनकी फील्ड बैलेंस कर ले एक्सटर्नल को, ठीक। अच्छा अब सी पे पोटेंशियल देखो इन दोनों की वजह से, प्लस क्यू का भी भूल जाओ, इन दोनों की वजह से क्या जितनी दूरी पे ये प्लेस्ड है क्या उतनी ही दूरी पे ये प्लेस्ड है, ऑब्वियसली सी से जितनी दूरी पे ये प्लेस्ड है क्या उतनी दूरी पे वो प्लेस्ड है, बिल्कुल। अच्छा क्या ये नेगेटिव है, ये भी पता है मुझे, तो अगर ये नेगेटिव है तो इनकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा सी पे क्या वो नेगेटिव आएगा, के इंटू ए इंड्यूस चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, देखो ध्यान से सुनना, क्यू इंड्यूस्ड नेगेटिव और ये हो जाएगा प्लस क्यू इंड्यू, ये सारे जो चार्जेस है, ठीक। तो ये जो नेगेटिव इंड्यूस चार्जेस हैं इनकी वजह से सी पे पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव, और वो जो उधर पॉजिटिव इंड्यूस चार्जेस हैं उनकी वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पोटेंशियल में आपको साइन देखना होता है। अच्छा दूसरा मेरा एक सवाल है कि जितना नेगेटिव वालों की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा क्या उतना ही पॉजिटिव वालों की वजह से पॉजिटिव में आएगा, बिल्कुल, क्योंकि डिस्टेंस सेम और इंड्यूस चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जितना इधर हुआ उतना उधर हुआ, तो क्यू सेम डिस्टेंस सेम, क्या सी पे पोटेंशियल इन दोनों की वजह से जीरो, ठीक। तो ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस पोटेंशियल एट सी विल बी जीरो, क्योंकि एक का नेगेटिव पोटेंशियल दूसरे के पॉजिटिव को कैंसिल कर रहा है, तो सी पे पोटेंशियल सिर्फ किसका बचा इस केस में, प्लस क्यू का, तो वो कितना हो जाएगा, के इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस कितना है आपका एक्स, तो सी पे पोटेंशियल कितना हो गया, के इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। तो सी पे पोटेंशियल मिल गया, तो ए पे भी पोटेंशियल कितना होगा, के इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स, समझ में आ गया सबको। सो क्वेश्चन यही था, ए पे पोटेंशियल निकालो, तो ए पे पोटेंशियल विल बी के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स, ना आर आएगा ना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, कुछ नहीं सिर्फ एक्स, समझ में आ गया हमने क्या किया, सो के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स। अरे बोलो, अच्छा बातें बोलेंगे सर ए पे डायरेक्ट आपने क्यों नहीं निकाला, तो वो भी रीजन सुनो, ए पे डायरेक्ट क्यों नहीं निकाला, क्या ए पे भी चार्जेस जो है वो दो चीजों की वजह से होगा, प्लस क्यू और इंड्यूस्ड, प्लस क्यू की वजह से ये के क्यू बाई ये डिस्टेंस, ठीक, पहली चीज तो वही मुश्किल हो जाता है लेना, दूसरी चीज इंड्यूस की वजह से, अब इंड्यूस में हर एक चार्ज से अलग अलग दूरी पे आए, ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसलिए हमने उससे सोल्व नहीं किया, ठीक है। हमने क्या किया, बेटर क्या था, सी पे निकाल दो वही ए पे होगा, ठीक है। अब सी पे निकालना तो आसान था, इंड्यूस की वजह से तो जीरो है क्योंकि सी पॉइंट सेंटर है और चार्जेस इंड्यूस वाले जो होंगे वो सिमेट्रिकली आपके होंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो इधर जितना नेगेटिव में पोटेंशियल आएगा उतना पॉजिटिव में आएगा, समझ में आ गया सबको, चलो। तो अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी आज जो हमने सीखा उसी पे क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है ध्यान से करना, सपोज ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है ऑफ रेडियस आर, ये एक प्लस क्यू चार्ज है,
एट अ डिस्टेंस 3 R फ्रॉम द सेंटर, ठीक। और यहां पे एक और पॉइंट है ए, एट अ डिस्टेंस R/2 फ्रॉम द सेंटर, ठीक। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, फाइंड पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। किसकी वजह से निकालना है? सिर्फ इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। इंड्यूस कैसे होंगे पता ही है सबको, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो चार्जेस अपने आप को भगाएंगे इस तरफ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। समझ में आ गया? चलो करो ट्राई। तो क्वेश्चन है, सिर्फ इंड्यूस्ड की वजह से निकालो कि कितना आपका पोटेंशियल आएगा ए के ऊपर। सो फाइंड द पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है, फाइंड पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। स्ट्राइक और अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखें, देखो जिनका करना है वो वीडियो पॉज करके ट्राई करना, बाद में आंसर मैच करना। ए पे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। पहली चीज तो पूरा रीजन इक्विपोटेंशियल होगा, कंडक्टर है। सो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, ठीक। तो अगर मैं सी पे पोटेंशियल निकाल दूं वही ए पे होगा। सी पे पोटेंशियल कितना? तो पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। सी पे कितना? प्लस क्यू की वजह से, बोलो K³/3R, K³/डिस्टेंस, प्लस दूसरा किसकी वजह से? इंड्यूस, पर इंड्यूस की वजह से जीरो होगा। क्यों? सी के जितना दूरी पे ये चार्जेस हैं उतना दूरी पे ये, तो जितना नेगेटिव इसकी वजह से उतना नेगेटिव इनकी वजह से, तो नेट क्या हो जाएगा? जीरो। तो प्लस जीरो, ये क्या आया है? ये आया है ए पे टोटल पोटेंशियल, ए पे नेट पोटेंशियल, पर मुझे किसकी वजह से पूछा है? इंड्यूस चार्जेस। तो मेरे को एक चीज बताओ, ए पे जो पोटेंशियल होगा वो किस किस की वजह से होगा? ए पे पोटेंशियल होगा दो चीजों की वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू और ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। देखो सही है कि नहीं, क्योंकि ए पे भी पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से भी होगा और इंड्यूस। अच्छा ध्यान से सुनना, इस बार इंड्यूस की वजह से जीरो नहीं आएगा, सी पे जीरो आया था, ए पे जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन नेगेटिव इंड्यूस चार्जेस से वो ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू इन पॉजिटिव इंड्यूस चार्जेस के, तो नेट पोटेंशियल ए पे पॉजिटिव आने वाला है लॉजिकली मैंने देखा। नेगेटिव अगर आ गया तो आपने कुछ गलत किया। क्यों पॉजिटिव आने वाला है? क्योंकि पॉजिटिव वाले से डिस्टेंस आपका छोटा है, डिस्टेंस छोटा तो पोटेंशियल पॉजिटिव की वजह से ज्यादा, ठीक। और नेगेटिव से डिस्टेंस ए का ज्यादा है तो पोटेंशियल कम, तो नेगेटिव पोटेंशियल कम पॉजिटिव ज्यादा, तो नेट पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस शुड बी पॉजिटिव। ये लॉजिकली मैंने देखा, प्रूव करते हैं इसको क्या आएगा। So, A पे नेट पोटेंशियल कितना आ गया? जो C पे था KQ/3R, और A पे पोटेंशियल किस किस की वजह से? ड्यू टू प्लस Q एंड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, ठीक है। वो कितना आ गया आपका? KQ/3R, पर मुझे कौन सा चाहिए? ये वाला। तो उसके लिए क्या मुझे प्लस Q की वजह से निकालना पड़ेगा? तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से A पे पोटेंशियल, वो तो पता ही है आपको, KQ/डिस्टेंस 3R+R/2 विच विल बी 7R/2 प्लस ए पे पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, ये होना चाहिए आपका KQ/3R। सो ए पे पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस दैट शुड बी KQ/3R माइनस 2KQ/7R। 21R LCM 7 7, 21 7 3 6 1, सो दैट विल बी KQ/21R। K की वैल्यू 1/4πε0 डाल देना, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस पास्ट ईयर में आ चुके हैं आपके, तो समझ में आ गया क्या किया, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज हमने कैसे यूज की यहाँ पे, एक्सटर्नल फील्ड में क्या होने वाला है, सब कुछ समझ गए? चलो ठीक है, चलो अभी 10 मिनट और है हमारे पास, ठीक है। तो 10 मिनट में हम कुछ चीजें और देखते हैं, कल स्फीयर्स पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। भले पूरा लेक्चर उसमें चला जाए, तो कल सिर्फ स्फीयर्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उसके। चलो आगे बढ़े, तो अच्छे से नोट कर लो जिसका नहीं हुआ था, जिसका हो गया था बहुत अच्छी बात है।
चलो अब थोड़ा सा एक दो कंसेप्ट और देखते हैं जो हमको न्यूमेरिकल्स में आगे काम आने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। तो वो कंसेप्ट क्या है ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, लॉजिकली हम प्रूव करेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से, आपको रिजल्ट याद रखना है। सपोज ये हमारा एक न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है, इसको आप एक चार्ज देना चाहते हैं प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी, ठीक है, आप इसके ऊपर एक चार्ज रखना चाहते हैं प्लस क्यू, टोटल चार्ज प्लस क्यू है। सवाल उठता है कि वो प्लस क्यू कैसे आएगा, मतलब जैसे आपने कंडक्टर को चार्ज दिया वो प्लस क्यू, वो क्या अंदर आएगा, किधर आएगा वो चार्ज, ठीक है। प्लस क्यू को आप ऐसे समझ सकते हो कि अंदर से आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, या माइनस क्यू अगर आपको देना है मतलब आपको इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, पता है ना सब। अच्छा तो सवाल उठता है कि व्हेन एवर अ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर वो जाता किधर है, वो उसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है या कहाँ जाता है, वो हमको देखना है, ठीक है। आंसर क्या मैं बता देता हूँ, हिंट देता हूँ, खुद से प्रूव करना है, 2 मिनट लगेगा। हिंट देता हूँ, इनसाइड अ कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। गॉस लॉ यूज करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल कंडक्टर है, ध्यान देना, अंदर जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव है, तो पता ही होगा आपको। तो सवाल है कि अगर मैं प्लस क्यू चार्ज इसको दूं या नेगेटिव क्यू चार्ज इसको दूं, तो वो क्यू चार्ज जाएगा किधर, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना, ठीक, हिंट दे दिया मैंने, हिंट क्या है, क्योंकि अंदर फील्ड जीरो है, पता ही है आपको कंडक्टर की खासियत है, मटेरियल, ये पूरा मटेरियल है, ठीक, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है, जीरो, ठीक। फिर उसके बाद गॉस लॉ यूज करो, सोचो थोड़ा सा, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। आंसर क्या मैं बता देता हूँ आपको, ये रिजल्ट लिखना है सीधा नोटबुक्स में और डायरेक्ट अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में, ठीक। अच्छा रिजल्ट क्या है, व्हेन एवर अ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर इट रिसाइड्स ओनली एट इट्स सरफेस, ये हमेशा उसके सरफेस पे आता है, अंदर चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। आधों को क्या लगता है कि हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो प्लस क्यू चार्ज किधर चला गया, ये अंदर चार्ज आ गया, नहीं, कभी भी मटेरियल में चार्ज नहीं आएगा। सो व्हेन एवर यू गिव अ चार्ज आइदर इट इज प्लस क्यू और माइनस क्यू टू अ कंडक्टर देन दिस चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन इट्स या ओनली एट इट्स सरफेस, हमेशा याद रखना, ठीक। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, Whenever a charge is given to a conductor, it only resides on its surface. ऐसा क्यों, आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक। मैं इसके कंडक्टर के सरफेस, सरफेस दिख रहा है सबको, कंडक्टर के सरफेस के जस्ट अंदर एक गॉसियन सरफेस ले रहा हूं, जस्ट अंदर, समझ रहे हो, जस्ट अंदर लिया मैंने, ध्यान देना। I have considered a Gaussian surface just inside the surface of the conductor. दिख रहा है सबको क्या है, मैं बना लिख देता हूं, Gaussian surface just inside the surface of conductor, just inside. ठीक, अब सुनना बहुत ध्यान से, गॉस लॉ यूज करते हैं एक बार इस गॉसियन के लिए। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। जस्ट अंदर कंडक्टर के अंदर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो, ठीक। एज ई इज इक्वल टू जीरो, पढ़ चुके हैं ना अभी, तब से यही डिस्कशन कर रहे हैं, एज ई इज इक्वल टू जीरो, तो क्या इसका सीधा सीधा मतलब है, ई अगर जीरो है तो एनक्लोज चार्ज पक्का जीरो होगा। चैप्टर अभी आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने देखा था कि अगर ई जीरो है मतलब एल एच एस जीरो हो गई गॉस लॉ की, तो क्यू एनक्लोज पक्का जीरो होना चाहिए। तो क्या क्यू एनक्लोज जीरो है, मतलब इस गॉसियन के अंदर कोई चार्ज नहीं है, सही है। तो ये चार्ज गया कहां, ये जो मैंने प्लस क्यू दिया ये गया कहां, तो ये कहां गया, ये सिर्फ कहां गया, सरफेस पे। क्यों, बिकॉज सरफेस के जस्ट अंदर तक कोई चार्ज नहीं है ड्यू टू जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ का यूज करके हमने प्रूव किया कि जस्ट इनसाइड द सरफेस देयर इज नो चार्ज, ठीक है। तो वो
जस्ट सरफेस के अंदर, ये मैंने गॉसियन मान के प्रूव किया कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो जस्ट अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो जो प्लस क्यू चार्ज गया ये कहाँ गया, ये गया उसके सरफेस पे। समझ में आ गया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक कंडक्टर था, कंडक्टर को हमने एक प्लस क्यू चार्ज दिया या माइनस क्यू भी दे सकते हो, तो क्वेश्चन है वो चार्ज जाता किधर है, क्या वो उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब पूरे वॉल्यूम में, ठीक है, ऐसा प्लस 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 प्लस, प्लस पूरा प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसा होता है या कहीं और जाता है। तो आंसर क्या है, प्लस क्यू चार्ज जब भी आप देंगे वो हमेशा किधर जाएगा, उसके आउटर सरफेस पे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम कंडक्टर के सरफेस के जस्ट अंदर एक गॉसियन सरफेस लें और गॉस लॉ का यूज करें, तो एज ई फॉर दिस गॉसियन सरफेस इज जीरो, क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर है और अंदर फील्ड जीरो होती है, देन क्यू एनक्लोज शुड बी जीरो, मतलब एनक्लोज चार्ज बाय दिस या एनक्लोज चार्ज फॉर दिस गॉसियन सरफेस शुड बी जीरो, बराबर। और एनक्लोज चार्ज अगर जीरो है तो चार्ज गया किधर, अंदर तो चार्ज आया ही नहीं, अभी अभी हमने देखा, तो वो चार्ज किधर गया, सरफेस पे, ठीक है। तो पॉइंट क्या है लिख लेना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट यूज करेंगे हम आगे, व्हेन एवर सम चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर कॉमा इट रिसाइड्स ओनली ऑन इट्स या ओनली एट इट्स सरफेस, सिर्फ और सिर्फ किस पे रिसाइड करेगा, सरफेस पे, ठीक है। चलो समझ में आ गया सबको, 3-4 मिनट और हैं, तो एक दो चीजें और छोटी छोटी देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे ही हमने चार्ज दिया वो किधर रिसाइड किया, सरफेस पे, क्यों, समझ में आ गया सबको, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा अब सवाल उठता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ये तो हमको पता चल गया कि सरफेस पे आएगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कुछ ऐसे होगा, इस केस में जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें ऐसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब आधों को ये भी कंसेप्ट में बहुत डाउट आएगा कि कब यूनिफॉर्मली कब नॉन यूनिफॉर्मली, तो मैं बता देता हूं, अभी सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात। तो यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, दैट विल बी यूनिफॉर्म, सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो इफ वी गिव अ चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, टू द कंडक्टर, देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन दिस केस, इस केस में, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, अगर कंडक्टर ऐसा होता, अब अगर हम इसको प्लस क्यू चार्ज देते, सबसे पहली चीज तो कहां आएगा, सिर्फ सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज नहीं, गॉसियन मान के सोल्व कर लेना, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, अब ये प्लस क्यू कैसा आएगा, ठीक है, थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं, शक्ल अच्छी बना लेते हैं इसकी, ठीक है। तो क्वेश्चन है प्लस क्यू चार्ज कैसा आएगा, क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या कुछ और होगा, जैसे इस केस में यूनिफॉर्मली हुआ, बिल्कुल यूनिफॉर्मली, दिख रहा है सबको, कहां पे, सिर्फ सरफेस पे, अंदर वॉल्यूम में नहीं, सिर्फ सरफेस पे, सिमिलरली यहां भी सरफेस पे, पर कैसा होगा अब ध्यान से सुनना, यहां कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉजिकल, मैं इसका लॉजिक भी दे देता हूं, आपको डायरेक्ट याद करना है, टोटल प्लस क्यू ही होगा, देखने में एक चीज समझ में आ रही है क्या, थोड़ा सा और क्लियर करके बनाता हूं मैं, ठीक है। दिख रहा है कोई फर्क, समझ में आया, तो फर्क क्या है, एक ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ये ऐसी आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी है, तो कंडक्टर अगर आपका आर्बिट्रेरी शेप का है, ठीक है, एकदम ऐसा परफेक्ट शेप का नहीं है, आर्बिट्रेरी शेप का है, तो उसमें चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पहली बात तो सरफेस पे होगा कंडक्टर में चार्ज, दूसरी चीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो शार्प एजेस होंगे वहां पे चार्ज ज्यादा होगा, क्यों, ये रिजल्ट फॉलो होगा, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी
उतनी ज्यादा होगी अगर आपका आर कम होगा। आर जितना कम सिग्मा उतना ज्यादा, आर जितना ज्यादा सिग्मा उतना कम। और ये आर है क्या? आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये ए मान लेते हैं, ये बी। बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर ज्यादा है? बोलो, थोड़ा सा वीडियो में कम दिख रहा है पर इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ए और बी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूं, ये बनाया है मैंने। ठीक है, ए और बी, बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर ज्यादा होगा? सो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा ए पे, दिख रहा है सबको? सॉरी, कम होगा ए पे और बी पे ज्यादा होगा। तो एज आर ए इज इक्वल टू आर बी, और ये रिजल्ट उसको फॉलो करना है, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कहां से आया वो आपको नहीं जानना है, ठीक है, सीधा याद रखो। तो क्योंकि आर ए बड़ा है आर बी से, उल्टा लिख दिया, आर ए इज लेस देन आर बी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ए पे छोटा होगा बी पे बड़ा होगा, दिख ही रहा है सबको? तो आर ए लेस देन आर बी, तो क्या आएगा यहां से? सिग्मा ए ग्रेटर देन सिग्मा बी। ठीक है, तो ए पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी, इसलिए चार्ज वहां पे आपको ज्यादा दिखाई देगा एज कंपेयर टू बी। ठीक है, अच्छा, अगर स्फेरिकल होता ये ऐसा यूनिफॉर्म शेप का, तब मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर कोई भी दो जगह देखें, ए और बी, क्या दोनों जगह आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है? ऑब्वियसली। सो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो सिग्मा भी सेम होगा, सिग्मा सेम मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या सीखे? फॉर अ कंडक्टर व्हेन एवर अ चार्ज इज गिवन टू इट, इट रिसाइड्स ओनली एट इट्स सरफेस। दूसरी चीज, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, सो एट पॉइंट एजेस, एट शार्प एजेस, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज मोर एज कंपेयर टू द प्लेस वेयर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मोर। जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना कम सिग्मा। ठीक है, तो ये अभी कंडक्टर की कुछ खासियत हमने पढ़ी है, कल इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे और कल पढ़ेंगे हम स्फीयर्स के बारे में। तो इसको अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट है तो उसको पूछो। अब ज्यादा बचा नहीं है चैप्टर, 2-3 दिन और लगेगा बस। ठीक है, तो बाकी कल करते हैं।